बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आले औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूं आपका भाई अदील नवाब। आप देख रहे हैं पंजाबी चस्का फूड। आज की हमारी रेसिपी है चिकन विंग्स फ्राइड। ठीक है, तो ये हमारी रेसिपी बहुत दिलचस्प होने जा रही है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो लीजिए जी, ये मैंने कुछ विंग्स को तैयार कर ली है, तो कुछ को मैं आपके सामने तैयार करूंगा। ठीक है, ये वाले विंग्स है, तो इसके मैं ये जो बड़ी वाली होते हैं ये हड्डी, इसको निकाल देना ऐसे करके। ये आगे इसकी छुरी की चोंच से काम होता है। ठीक है, इसको सारी को फिर दूसरी वाल से नहीं उतारना ऐसे। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा खूबसूरत सा पीस बना है, ये देखें। ठीक है, इसको ऐसे रखना है, दूसरी को भी इसी तरह। जब आप पहले नए नए करेंगे आपको थोड़ी सी मुश्किल आएगी, फिर ये ठीक हो जाएगा, आपसे भी होने लगेगा। तो दीदी जी, हमारे पीस हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब इसका हम बटर मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक अंडा, दो से ढाई चम्मच कॉर्नफ्लावर के, ये मैदा जा रहा है तकरीबन चार चम्मच। ठीक है, ये लेमन है, इसके अंदर हाफ जाएगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। हाफ टी स्पून काली मिर्च, ये बच्चों के लिए तो ये बहुत ही लाइट से बनते हैं और अच्छे से बनते हैं। ठीक है, नमक वही हसबे जायका, इसको हम मिक्स करेंगे। हमारा जो बटर मसाला वो ज़्यादा थिक है, थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो लीजिए जी, हमारा जो बैटर मसाला वो तैयार हो चुका है। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेड क्राम है, एक एक पीस लेंगे ऐसे करेंगे और साथ में ब्रेड क्राम के ऐसे लगा देंगे। मुकम्मल करने फिर आपसे मिलते हैं। तो लीजिए जी, ये मुकम्मल हो चुका है। अब मैंने जब स्टार्ट किया था उस वक्त तो मैंने ऑयल जो है उसको नीचे आग लगा दी थी। ऑयल हमारा जो है गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बच्चों के लिए है, बड़े भी खाएं, इंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा इसके खाने में। अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको एकदम से ना हिला दीजिएगा। कोई भी चीज़ बनाते हैं, फिश बनाते हैं और आयल जो है वो अच्छा सा गर्म हो, फिश उसके नीचे वो चिपकता नहीं है तो कुछ चीज़ टूटती भी नहीं है उससे। लीजिए जी, जो हमारे विंग हैं वो हाफ फ्राई हो चुके हैं, हम इसको एक से दो मिनट के लिए रेस्ट देंगे, उसके बाद फिर इसमें डालेंगे। चूल्हे की हीट है वो कम कर दीजिएगा ताकि दोबारा डालेंगे तो एकदम से ऊपर से ब्राउन ना हो जाए,
उसकी वजह से ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो लीजिए, अब हम उसको दोबारा डालने लगे। बिस्मिल्लाह, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये घर में ट्राई की, आपसे कैसे बनी है, इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। तो लीजिए कि ये थी हमारी आज की डिश जो तैयार हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, कैसी बनी आपसे भी। इंजॉय करें, बच्चों को खिलाएँ, उसको ऐसे रखें खड़े कर। माशाल्लाह, चलें ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।